लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। यशवंतराव चौहान फाउंडेशन ने आज प्रदेश भर के 160 व्यक्तियों को उनके विशिष्ट सेवाभावी कार्यों के लिए यशवंतराव चौहान पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर एवं बीजेपी विधायक गणेश नाइक खास तौर पर मौजूद थे, जिनके हाथों इन हस्तियों को सम्मानित किया गया। देखिए रिपोर्ट। यशवंतराव चौहान फाउंडेशन ने आज सानपाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आज यशवंतराव चौहान फाउंडेशन ने 160 हस्तियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर एवं पूर्व मंत्री गणेश नाइक खास तौर पर मौजूद रहे, जिनके हाथों यह पुरस्कार वितरण किया गया। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने यहाँ युवा समाज सेवी पांडुरंग आमले और साई भक्त महिला मंडल को खास तौर पर उनके उल्लेखनीय सेवा कार्यों के लिए यशवंतराव चौहान पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं विधायक गणेश नाइक के हाथों तमाम समाज सेवियों को ट्रॉफी साल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीजेपी नेताओं ने यशवंतराव चौहान के जीवन और उनके कर्तित्वों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मुंबई असेल ठाणे नवी मुंबई ग्रामीण भागातल्या येऊन आपल्या लोकांनी या ठिकाणी मंडळ काढली, एकमेकांची सुखदुःख त्या ठिकाणी शेअर केली, त्याचबरोबर त्या मंडळांच्या माध्यमातून गावाकडचा विकास केला आणि निश्चितच या अशा प्रकारच्या फाउंडेशनचा विकास कामांमध्ये उपयोग होतो। एकमेकांची सुखदुःख त्या ठिकाणी आपण शेअर करू शकतो, त्याचबरोबर समाजामध्ये ज्या अडीअडचणी आहेत त्यावेळेला आपल्या बांधवांना मदत करू शकतो, भगिनींना मार्गदर्शन करू शकतो आणि मला वाटतं म्हणून याची आवश्यकता होती। यशवंतराव चव्हाण फाउंडेशन चांगलं काम करतं आहे, त्यांनी करत राहू। ना मी पांडुरंग आंबलेंचं कौतुक करतो, अभिनंदन करतो, त्यांची मी क्लिप त्या ठिकाणी पाहिली आणि कोरोनाच्या काळात अनेक लोकांनी या ठिकाणी काम केलं आणि निश्चितच पांडुरंग आंबले यांचंही काम कौतुकास्पद आहे, असंच त्यांनी काम करत राहू। लाईफ में यशवंतराव चव्हाण साहब को एक 15 मिनट ख्याल मिला हो, वो दिल्ली में जब उनके जीवन की यानी जो निराशाजनक वातावरण हुआ था उस वक्त में, लेकिन मैं एक लफ्ज में बोलूँगा कि ये महाराष्ट्र के राजकारण में या हिंदुस्तान के राजकारण में अपनी गरज से जरूरत से बहुत लोगों ने राजकारण किया, समाजकरण किया, लेकिन यशवंतराव चव्हाण ऐसे व्यक्तिमत्व थे जिन्होंने बेरीज यानी प्लस लोगों को साथ करने का काम उन्होंने किया। धर्म जात पंथ वर्ण वर्गों के आगे जाके पक्षों के लोगों को भी, अनेक विविध पक्ष के लोगों को भी अपने साथ लेके समाज का सही काम करने का उन्होंने जो प्रयत्न किया, समाज को और इस भाषा को, मराठी भाषा को, महाराष्ट्र को सम्मानित किया और देश की अखंडता में भी यशवंतराव चव्हाण साहब का बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई के पदाधिकारी ने ये कार्य से उनकी याद सबको दिलाई और मैं बोल रहा हूँ कि सही लोगों को जो सम्मानित किया गया वो सही नाम का प्रशस्ति पत्र करके देके उन्होंने किया है, ये उचित हुआ ऐसा मैं समझता हूँ। यशवंतराव चव्हाण साहब ये सिर्फ महाराष्ट्र के सीमित नेतृत्व नहीं था, ये नेतृत्व जगमान्य और भारत के उप पंतप्रधान तक पहुँचने वाले सब समाज को, जाति धर्म को, सबको आगे लेके जाने वाले नेतृत्व था। इस फाउंडेशन का मुख्य हेतु ही है सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी युवक युवती हो, अच्छे अच्छे समाज में काम कार्यक्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, महिलाएं हो, उनके सम्मानित करके
उनकी सम्मान से उसका थोड़ा सम्मान करने के बाद उसके और थोड़ी हौसला बढ़ेगा और अच्छे और भी इस लोगों के साथ से अच्छा बहुत अच्छा काम हो जाएगा, इसलिए फाउंडेशन का मुख्य हेतु वही है। इस अवसर पर यशवंत चौहान पुरस्कार पाने के बाद युवा नेता पांडुरंग आमले ने कहा कि यह उनके जनसेवी कार्यों का प्रतिफल है जो यशवंत राव चौहान फाउंडेशन ने उन्हें दिया है। उन्होंने पदाधिकारियों के प्रति भी आभार जताया जिन्होंने उनके समाजसेवी कार्यों की दखल ली। वहीं एनसीपी की महिला पदाधिकारी ने भी पुरस्कार पाने पर फाउंडेशन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। आइए सुनाते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। इस तरीके से जो पुरस्कार मिल रहे हैं उससे हमें एक प्रेरणा मिल रही है और आगे चल के ऐसे कोरोना के जो तीसरा ये आ रहा है, संक्रमण आ रहा है, उसमें हमें प्रेरणा मिलेगी और इसके माध्यम से हम लोग और भी जोश से काम कर सकते हैं। क्योंकि ये पुरस्कार मिला इसलिए नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ लोग हैं, कोई प्रतिष्ठान है जो इसकी वाहवाही कर रहे हैं और ये मिलना ज़रूरी है। अगर ये मिलता है तो हमें पता चलता है कोई ना कोई तो हमें देख रहा है। तो पक्का आपने जो कहा वो सही है कि इसके माध्यम से हम लोग और जोश से काम कर सकते हैं। तो यशवंतराव चव्हाण फाउंडेशन तर्फे जो यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलेला आहे त्यासाठी मी संजय सावंत बापू यांचे खूप खूप आभार मानते ज्यांनी आम्हाला या पुरस्कारासाठी सन्मानित केलं आहे। आणि हा सन्मान हे सामाजिक स्तरावर काम करताना आम्हाला दिलेला ही पोचपावती आहे जेणेकरून लोकांसाठी लोकांच्या सेवेसाठी आज आम्ही हे काम केलं आहे त्याची ही पोचपावती आज आम्हा पतीपत्नींना मिळालेली आहे। त्यासाठी मी यशवंतराव फाउंडेशनचे खूप खूप आभार मानते। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी ऑन इंडिया।